कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पाइन ट्री प्लांट केयर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो पाइन ट्री काफ़ी बड़े होते हैं। ये पाइन ट्री की ड्वार्फ वैरायटी है जो मीडियम या स्मॉल साइज में होती है। आप देख सकते हैं ये इसकी ये लीव जो हैं ये एक निडल की तरह है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे अपने गार्डन पर लगाया हुआ है। सबसे पहले हम इसके कॉस्ट की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मुझे करीब 50 रुपये में मिला था। इसकी कॉस्ट कुछ फिक्स नहीं होती है। आपकी इधर नर्सरी पर आपको 50 रुपये से लेकर के 150-200 रुपये तक में मिल सकता है। इसके गमले की बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें 10 इंच के गमले में इसे लगाया हुआ है। आप इसके लिए आप 10 इंच का गमला ठीक रहता है। आप इसे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसे अभी बड़े गमले में शिफ्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे इसकी लंबाई या इसकी साइज नहीं बढ़ानी है। ये थोड़ा मुझे छोटा ही अच्छा लगता है क्योंकि ये बड़ा हो जाता है और काफ़ी फैल जाता है। ये प्लांट फुल सनलाइट में रहने वाला है। आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। जब आपके यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री से 45 डिग्री तक रहे, जब तक आप इसे फुल सनलाइट पर रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें, या आप इसे सुबह शाम की धूप दें, या दिन में 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए इनफ है। अगर आप इसे शेड पर रखेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो ब्राउन होने लगेंगी क्योंकि ये शेड में बिल्कुल भी नहीं चलता है। शेड में रखने पर ये पौधे की लीव्स कुछ इस प्रकार से ब्राउन होने लगेंगी। अगर इसमें ओवर वाटरिंग भी होगी तब भी इसकी लीव्स ब्राउन होने लगेंगी। इसकी मिट्टी की बात करें तो आप इसकी मिट्टी, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर इसकी मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसकी मिट्टी कुछ इस प्रकार से वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसकी मिट्टी एकदम भुरभुरी टाइप की आप बनाएं क्योंकि अगर इस प्लांट में पानी रुका तो ये प्लांट मरने लगेगा, इसकी लीव ब्राउन होने लगेंगी। इसलिए हमें इस प्लांट पर पानी का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग ये प्लांट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। आप इसमें 2-3 दिन में भी पानी देंगे तब भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें 3-4 महीने में गोबर की खाद दे सकते हैं क्योंकि इसमें हम इस प्लांट से हमें फ्लावर नहीं चाहिए। ये लीव बेस्ड प्लांट होता है, केवल इसको इसकी लीफ के लिए इसे लगाया जाता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें अगर आप इसमें किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। अगर आप फिर भी सिक्योर रहना चाहते हैं अपने प्लांट के लिए तो आप इसमें महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का रोग, कीड़े कुछ भी नहीं लगता है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। आप इसे अपने गार्डन पर ज़रूर शामिल करें, ये देखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।